तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शायद और मैं आज आप लोगों के लिए और एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि बरबटी की अगर खेती किया है तो उसको मतलब सार ऐसा कुछ देने की ज़रूरत है। अगर आपकी मतलब कोई इरीगेशन सिस्टम है, वाटर इरीगेशन सिस्टम कुछ भी है, तो वहाँ पर आप लोग मतलब दे सकते हो। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो आप लोग कैसे कर सकते हो नॉर्मल खेती, तो उसके लिए दोस्तों ये वाला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं काल परसों से मतलब मैं भी यूट्यूब को छान रहा था कि मतलब कौन सा वाला यहाँ पे खाद डालना है या नहीं, मतलब कैसे डालते हैं, बहुत सारे चीज़ें मैंने कोशिश की है जानने की, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो आज हम लोग फाइनली यहाँ पर कुछ हमारे मतलब सलाहकार थे, तो उन्होंने बता के गया हुआ है कि इस तरह से ये वाला देना चाहिए और क्या क्या खाद डालना चाहिए। तो चलो मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, डीओपी मैंने एक ही बोरी पूरा ले लिया, और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे यूरिया लिया हुआ है, देख सकते हो 20 किलो के आसपास होगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सुपर लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 किलो सुपर मैंने भी ले लिया, और इसको यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने और दो तीन सामान लिया, इसको हम लोग सुहागा बोलते हैं, इसका मालूम नहीं है पूरा नाम मुझे। और यहाँ पे ये वाला भी हम लोगों ने यूज़ किया है, ये जड़ के लिए अच्छा होता है, और ये भी दोस्तों जड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसके कारण से मैं ये भी ले लिया, आप देख सकते हो। और भाई यूरिया का जो रेट है ना भाई, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा मतलब हालत ख़राब कर दिया भाई। मोदी जी अपने आप फ़ोटो यहाँ पर लगा दिया, लेकिन भाई रेट देखो यार, 2982 रुपीज़ और पर बोरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1300 रुपये ऐसा कुछ उन लोगों ने छाड़ दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है यार। पहले ये 400 रुपये में आता था, लेकिन अभी देखो भाई इसको मतलब मैं 1600 में ले आया, और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा इसको यहाँ पे मिक्सचर बना दिया, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट खेत पर चलेंगे। पहले इस साइड से कुछ इस तरह बना देंगे और बाद में दूसरे साइड जाएंगे, तो आप भी वहाँ पे जाओ। तो दूसरी साइड से अगर आऊँगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह मैं लगा दूँगा, तो हमारा ड्रेन हो गया कंप्लीट। ये देखो बन गया एक साइड, दूसरा को लगाएंगे कुछ इस तरह, यहाँ पे देखिए ये भी ड्रेन बन गया। ये देखो पूरा इस राउंड शेप से हम लोग ड्रेन बनाया, जो खाद डाल रहे हैं ना कुछ इस तरह, ये देखो इस ड्रेन की मदद से हम लोग अगर इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसको मिट्टी से डाल देंगे, और बाद में हम लोग जब पानी यहाँ पे डालेंगे तब ये मतलब पूरा ये जो पौधा होगा ये यहाँ से जो भी उसको लेना है ले सकता है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारा काम चालू हो गया है, और हम लोग ऐसे करते करते लास्ट एंड तक जाना है हम लोगों को। और हमारा पौधे की ग्रोथ आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा है, मतलब इस हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वाटर इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर है, और हम लोग नदी से पानी ला के यहाँ पर डालते हैं, तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसमें पानी देने की कोशिश करेंगे, और कैसे पानी दे सकते हैं हम लोग, मतलब हम लोग तो लोकल है ना दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों ऐसे कोई ड्रिप इरीगेशन ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग तो फ्लड इरीगेशन से भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ्लड इरीगेशन से देने के लिए पानी भी इतना चाहिए होगा, तो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा हमारे यहाँ पे कितना पानी है, और हम लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं ना वो हमारा नदी का छोटा सा एक नहर जाता है हमारे यहाँ से, तो उसका पानी है। और हमारा पेड़ देखो अभी कितना क्यूट है ना भाई, ये तो पाइप हम लोगों ने ये वाला मंगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला पाइप मंगाया हुआ है 1 इंची का है, और ये देखो इसका लास्ट नहर तक जाता है यहाँ तक, और हमारा ये देखो खेती तो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग छोटा पाइप लगा के ये साइड पूरा क्लियर हम लोग कर देंगे। और तो दोस्तों हमारा अभी सिंचाई चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 50% हम लोगों ने कवर कर लिया, और मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और हमारा सिंचाई करने का तरीका कुछ अलग है दोस्तों, हम लोगों ने कोई ड्रिप नहीं लगाया, और फ्लड इरीगेशन भी अभी तक मतलब हमारे इसके लिए सही नहीं है, इसी कारण से हम लोगों ने ये देखो ये ह्यूमन इरीगेशन सिस्टम लगा हुआ है हमारा, देख सकते हो। तो भाई हम लोग अभी बेकार आदमी है, तो भाई यहाँ पे काम करेंगे तो क्या क्या जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक मतलब लाइन बिछा दिया यहाँ से, आप देख सकते हो पूरा हमारा पूरा लास्ट तक यहाँ से है, इस साइड से हम लोगों ने पाइप बिछा दिया, और ये देखो ये पाइप से हम लोग डायरेक्ट पेड़ के नीचे हम लोग ऐसे पानी आ रही है दे रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा एकदम भिगा के भाई पूरा, मतलब 1 वीक से लेके 10 डेज तक हमारा ये वाला पानी हम लोग मतलब और नहीं देना पड़ेगा,
इसके बाद हम लोग फ्लड इरीगेशन भी कर सकते हैं क्योंकि पेड़ भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, फ्लड इरीगेशन से पूरा पानी पुल कर देंगे। तो हमारा हो गया कम्प्लीट। तो इसके बाद सिर्फ हमारा यहाँ पर मच को लगाना बाकी होगा, तो वो भी लगा दूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि किस तरह मैं लगाता हूँ। का ग्रोथ आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो। तो पहले एक बीमारी आ गया था, आप लोगों को पता ही होगा, ये जो पत्ता आप देख सकते हो इसमें पूरा बीमारी लग गया था। तो इसके बाद हम लोगों ने एक मेडिसिन का यूज़ किया और इसके बाद हमारा कुछ इस तरह हो गया है अभी। और अभी थोड़ा सा मतलब बारिश का मौसम हो गया, 3-4 दिन से बारिश है, इसके कारण से थोड़ा पत्ते में प्रॉब्लम है, बाद में दिखा जाएगा। और आज भी मैं एक एनर्जी मारने वाला हूँ, इसमें एनर्जी मारूंगा तो ये वाला बीमारी ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो मतलब थोड़ा बहुत अभी भी बीमारी है, देख सकते हो। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।